देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। और आज का सोशल मीडिया का जमाना है और कहीं ना कहीं से ये एडल्ट्री का मामला, अफेयर का मामला, चीटिंग का मामला सबसे ज्यादा है आज के डेट पे। कई सारी महिलाओं को क्या होता है कि भाई उनको बॉयफ्रेंड से भी प्यार है लेकिन पति से तलाक नहीं देना है। घर वालों ने पति के साथ शादी तो कर दी है लेकिन प्यार बॉयफ्रेंड से रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं से बॉयफ्रेंड उनको थ्रेट भी देता है, धमकी भी देता है, कहीं ना कहीं पत्नियां उनसे अटैचमेंट भी है, छोड़ नहीं पा रही बॉयफ्रेंड को भी। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। और इस कहते हैं कि इस जाल में कहीं महिलाएं फंसी हुई, कहीं शादीशुदा महिलाएं फंसी हुई है जो अपने रिश्ते को भी नहीं बचा पा रही है। जी हाँ, तो आज के वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। कहीं महिलाएं हैं जो कि गलत फहमी में फंसी हुई है या ऐसी कोई भी जालसाजी से फंसी है, उसके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई सिचुएशन में मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, ऐसे इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और अपने कोई भी पर्सनल सवाल होते हैं तो आप मुझे वो छोड़ सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार महिलाओं के एक्चुअली ये होता है कि पहले या तो शादी से पहले ही बॉयफ्रेंड रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो सोचती है कि कहीं ना कहीं से बातचीत करती भी रहती है चोरी छुपके से उनसे। कई बार पत्नी को मालूम भी पड़ जाता है, पति फिर मारपीट करता है, उस पर केस करने की धमकी देता है, लेकिन पत्नियां नहीं कर पाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बाल बच्चे भी हो गए और उसके बाद भी सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू पत्नी को कोई आया, अच्छा खासा मैसेज किया, उससे लगाव हो गया, उससे प्यार हो गया और उसके पीछे वह अटैचमेंट कर बैठी है। तो ऐसी कंडीशन में महिला क्या कर सकती है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपकी शादी हो चुकी है और उसके बाद अगर आपसे कोई प्यार करता है और आपके बाल बच्चे हैं, कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो बाल बच्चों के बाद भी कहीं से सोशल मीडिया से अपना सच्चा प्यार ढूंढ रही है आज के ज़माने में, और उनको सच्चा प्यार हो भी जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि दो दो तीन तीन बच्चे होने के बाद भी उनको सच्चा प्यार हो भी जाता है। तो ऐसी महिलाओं से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया कुछ भी नहीं है, वह जो आपसे प्यार कर रहा है उसको पहले से पता है, कानून की परिभाषा वो भी जानता है, और आप भी जान लीजिए कि भाई आप खुद गलती कर रहे हो, एडल्ट्री आप खुद कर रहे हो। जी हाँ, पहली बात तो ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एडल्ट्री में भाई कोई क्राइम नहीं आज की डेट में। 495 वाला, जो कि आपको पता है सबको, 495 में जो पहले 5 साल की सजा थी, अब कोई सजा नहीं है, बॉयफ्रेंड को कोई भी सजा नहीं है, ठीक है। वो आपको ही जिंदगी खराब करेगा, उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, ये बात आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर बाय चांस आपका पति पकड़ चुका आपको और वाकई आपको पति के साथ जीना है और आपको अपनी गलती एहसास हो चुकी है, तो हर पति सबसे पहले यही कहता है कि भैया केस कर दे। आप एक सिंपली केस कर दीजिए, गलती है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को एडल्ट्री में पकड़ता है, 99% वो आपके साथ थोड़ा सा वायलेंस करेगा। मानते हैं बुरा लगता है क्योंकि कोई भी चीट करता है, अगर ऑनेस्टली आपका हस्बैंड आपके साथ रह रहा है तो ऐसी कंडीशन में कहेंगे वो आपके साथ थोड़ा सा वायलेंस तो करेगा, लेकिन वो कहेंगे माफ़ कर देगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन रहेगी, भाई इसके ऊपर आपको केस करना है, तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल दीजिए कि भाई मैं इसके पीछे जो भी चाहोगे मैं करने को तैयार हूँ। देखिए एक बार अगर केस कर देती हूँ आपकी तरफ से, तो जो आपका बॉयफ्रेंड है कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ से निकल जाएगा फिर। और कभी भी अगर एक बार केस हो जाता है, 99% एक बात समझ लेना कि अगर एक बार केस हो जाता है बॉयफ्रेंड पे पत्नी की तरफ से, तो वह उसका पति के साथ रिश्ता चल जाएगा लेकिन बॉयफ्रेंड कभी नहीं आएगा लाइफ में। लेकिन सिचुएशन गलती क्या होती है कि साहब बॉयफ्रेंड पे केस ना करके पति पे केस कर देती है और मायके पे जाके आराम से उसी बॉयफ्रेंड से महिलाएं बातें करती है, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि आपकी शादी नहीं होती, कहीं महिलाओं की शादियाँ नहीं हो पाती अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है। अब वो क्या करती है कि शादी घर वालों की मर्जी से हो जाती है, घर वालों को पता भी पड़ जाता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि भाई वह उसको छोड़ नहीं पाती है, कहीं ना कहीं से नंबर, अब आज का सोशल मीडिया जमाना है या नंबर तो सबके पास रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत होने लग जाती है और वो आगे चलकर कहीं ना कहीं एक आपका जो मैरिज लाइफ है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं पूरी तरह। तो कुल मिलाकर आपकी शादी हो चुकी है, तो अगर ऐसी आपके साथ में ऐसी कोई जालसाजी में फंसे हुए हो आप लोग, तो क्लियरली अपने पार्टनर से बात करिए, भाई मुझसे गलती हो गई। कोई भी पार्टनर अगर आगे से आप बता रहे हो इस चीज़ के लिए, कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आई एम श्योर मैं कह सकता हूँ,
ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ थोड़ा वायलेंस कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, कुछ नहीं करेगा, बस वो सिंपली आपसे केस कराएगा, आप कर दीजिए। अगर वो आपको परेशान कर रहा है या फिर आप अपनी ईमानदारी से ऑनेस्टली आपके बाल बच्चे हैं, आपका हस्बैंड अच्छा है, तो ऐसी गंदगी मत पसीए जिससे आप खुद को शर्मिंदा होना पड़े, आपके बच्चों को शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी गलती मत करिए। देखिए थोड़े समय का शौक होता है लेकिन आपकी पूरी जिंदगी नर्क हो जाती है इन चीज़ों में, याद रखिए। ठीक है, आपका पति है अच्छे से है, दोनों पार्टनर हस्बैंड वाइफ रहिए, देखिए आप ये मत सोचिए सात दिन में सुकून ही सुकून है, सुकून कमाना पड़ता है दोनों को, हस्बैंड वाइफ को सुकून पाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है, मान सम्मान आपके लिए, आपके बच्चों का, आपका परिवार का, आपका ससुराल का, बहुत सारी रेस्पेक्ट आपके साथ जुड़ी रहती है। तो देखिए जो बॉयफ्रेंड ये चीटिंग करते हैं वो आपके लिए बहुत बड़े नुकसानदायक होती है चीज़ें, ठीक है, कभी भी इन लोगों की बात में मत आइए। और ये लोग आपकी बर्बादी करने आए, कहीं बार होती है कि लड़की की शादी हो गई, नए नए होती है, उनके बॉयफ्रेंड से उनका ब्रेकअप नहीं होता, लेकिन आफ्टर मैरिज भी वो कहता है कि साहब मैं तो तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, वो आपसे प्रतिशोध बदला लेने आया है, ये बात आप समझ लेना। वो जानता है कि भैया वो एडल्ट्री ओपन कराएगा, आपका पति के और पत्नी के बीच में आपका डिस्प्यूट कराएगा और वो चला जाएगा और आपको फिर दोबारा शादी भी नहीं करेगा, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। कहीं ऐसे सारे सवाल भी आए, कहीं पर आए कि साहब हम तो प्रेग्नेंट हो गए बॉयफ्रेंड से, साहब अब पति को ना पता पड़े, देखिए आपको ये ऐसी गंदगी नहीं करना चाहिए कभी भी, ये बात समझ लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। कहीं लोगों के साथ ऐसे करते हैं, कहीं महिलाओं के सवाल आते हैं इस टाइप के, तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि एडल्ट्री होती क्राइम हो नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे कोई मतलब है नहीं, अपना पार्टनर अच्छा है, ऑनेस्टली है, साथ निभाइए, गलती हो गई माफ़ी मांगिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि ऐसी गलती कभी भी नहीं करें, एक बार वार्निंग दे दीजिए कि भाई मैं शादीशुदा हूँ मेरी ज़िंदगी में नहीं, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है चाहे वो कुछ भी कर रहा है, या बिफोर मैरिज की आपकी कोई भी है या आपसे गलती हुई उसकी कोई वीडियो ऑडियो भी है तो भी आप क्लियर अपने पार्टनर को बता दीजिए, खुलकर बता दीजिए कि भाई मेरे से गलती हो गई, ज़रूर आपको चांस देगा। लेकिन अगर पार्टनर को आप नहीं बता रहे और ऐसे उसकी डर से बता रहे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नर्क हो जाएगी। इस वजह से ब्लैकमेल से नहीं डरिए, अपने पति को बताइए गलती भी है, अगर पति चाहता है उसके ऊपर केस करें तो बिल्कुल सपोर्ट में, आपका पति जब आपके सपोर्ट में है तो केस करने से क्यों डर रहे हो आप लोग, आसानी से केस करिए उसके ऊपर। तो ये वाली सिचुएशन कई महिलाओं में फंसी हुई है भाई आज की डेट पे, कई महिलाएं सोशल मीडिया से करती है प्यार करते हैं उसके बाद उनके साथ धोखा हो जाता है, कई महिलाएं तो अपने जेवर तक उनको दे देती है भाई, पैसा तक दे देती है पति के, सोचिए आप अपना खुद का जेवर तक उनको बॉयफ्रेंड को दे देती है, आप सोचिए। देखिए कुछ नहीं होता है, फिजिकल अटैचमेंट होता है, जी हाँ, और कुछ नहीं होता है, अगर आपका फिजिकल रिलेशनशिप होगा, देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है कि जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आपको पता है एडल्ट्री क्यों लागू हुआ था, इसी कारण से हुआ था क्योंकि अब देखिए हस्बैंड नौकरी करेगा सब करेगा तो कहीं ना कहीं फिजिकल उनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, अब कहीं ना कहीं महिलाओं का किसी थर्ड पर्सन का कहते हैं कि लगाओ लगा फिजिकल रिलेशनशिप बन गया तो उनका एक अटैचमेंट हो जाता है, उसे प्यार या नहीं कहते हैं, उसको ज़रूरत कहते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरत आपकी पूरी तबाह कर जाती है लाइफ को, इस वजह से ऐसी चीज़ों में अगर आप फंसे हुए हो क्लियरली अपने रिश्ते को बचाइए, सबसे बेस्ट वही है, अपना पार्टनर अच्छा है उसके साथ रहिए, ऑनेस्टली रहिए, अगर पकड़ में भी आ चुकी है आपका पति कह रहा है तो केस कर दीजिए आप उस पर, ये बीमारी का शॉर्ट आउट परमानेंटली इलाज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर देखा जाता है कि नहीं जी बॉयफ्रेंड पे तो केस करना है नहीं है, वो महिलाएं बाद में जाके बहुत पछताती है, कई महिलाएं ऐसी भी होती है जो कि बाद में अपने पति से चीट करके किसी और के प्यार में आके भाग के बिना तलाक दूसरी शादी भी कर लेती है, जबकि जानता है जिसके साथ वो आपके बच्चे भी एक्सेप्ट कर रहा है सब कर रहा है, लेकिन वो आपके बच्चे को ना तो एडोप्ट कर सकता है ना ही आपके साथ लीगली शादी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है बाय गेमिंग शादी मानी जाएगी और ये एडल्ट्री में है, एज ए लिविंग रिलेशनशिप में है, तो ऐसी गलती भी कभी भी ना करें, जी हाँ ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कहीं महिलाएं इस चीज़ों में फंसी हुई है, सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत महिलाएं हैं जो ऐसी बीमारी से अटैचमेंट में हैं, कई लोगों को सोशल मीडिया से उनको प्यार हो रखा है, कई महिलाएं इस चीज़ों से परेशान भी है, कई मैरिज लाइफ को डर भी है उनको, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ये सब भी है, तो ऐसे मत करिए, क्यों, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है, आपके बच्चों का नुकसान है, आपका परिवार का नुकसान है, सब कुछ पूरा टोटली आपका नुकसान है, उसका कोई नुकसान है जो आपके साथ अटैचमेंट जुड़ा हुआ है उसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है, जी हाँ। तो काज करके आपको ये चीज़ समझ लेना, और आपके पति के पास ये भी ऑप्शन होता है आपको पता हो तो, कि अगर उसको पता आपके जो बॉयफ्रेंड है उसको आपने बता रखा शादीशुदा है तो वो 498 का केस कर देगा और मान आने का केस और कर देगा, ठीक है, और फ्री में आपसे डाइवोर्स भी ले लेगा,
ठीक है। इस वजह से समय रहते हुए अपनी गलती को सुधार लीजिए, अपने पार्टनर को बताइए, और ये जो सोचले होते हैं फालतू की सोशल मीडिया पे, इन चीज़ों पे, ये चीज़ें कोई मतलब नहीं है, कोई आपको ट्रू प्यार नहीं करता है, आपका पार्टनर ही आपको प्यार करेगा, आपको जीवन भर वही रखेगा, आपके बाल बच्चों को वही करेगा प्यार, कोई नहीं करेगा, ये दूसरा दिखावा होता है। क्योंकि सोशल मीडिया का कहते हैं कि इंस्टाग्राम की रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, तो ये चकाचौंध दुनिया में बाहर निकलो, कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर यही मोटिव मेरा इस वीडियो का था कि कहीं सारी ऐसे होती हैं, कई लोग इससे नहीं निकल पा रहे हैं। अगर कहीं महिलाओं के ऐसे सवाल मेरे पास आयोजित रहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिल जाता है, आईडी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी साइड में, तो वहाँ पे जाके इसे फॉलो कर सकते हो। कोई भी पर्सन अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन या ब्लैकमेल कर रहा है आपको, या क्या थ्रेट कर रहा है, क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको डिटेल में बात करना होता है तो नंबर लिखा रहता है, नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।